तो देखिए सर सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम ऐसे नाम होते हैं जो सभी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। सर्वनाम ऐसे नाम होते हैं जो सबके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे आज हम लोग चार सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें से है वह, उसका, तुम, तुम्हारे, ठीक है। ये चार सर्वनाम है, वह, उसका, तुम, तुम्हारे, ठीक। तो देखिए जैसे वह है, हम किसी को भी बोल सकते हैं ना वह, लेकिन हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि शुभम, किसी को शुभम तो नहीं कह सकते ना, इनको भी शुभम बोल दो, उनको भी शुभम, ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन हम लोग वह सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम मतलब ऐसे नाम जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका, तुम, तुम्हारे, ठीक। तो देखिए पहली बात हम बोलेंगे उसका, ठीक है, तो क्या लिखते हैं देखिए, देखिए उसका घर क्या है, उसका घर मेरे घर के पास है। अब देखिए क्या इसमें पता चल रहा है कि किसका घर, नहीं पता चल रहा ना, नहीं। लेकिन ये मालूम चल रहा है कि कोई है जिसका घर मेरे घर, मेरे कौन बोल रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है, मेरे वो तो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा ना, मेरे जो भी बोलेगा कि उसका घर मेरे घर के पास में है, तो उसने ना तो अपना नाम लिया ना तो उसका नाम लिया, लेकिन दोनों के बारे में बातें हो गई, ठीक है। तो ये उसका घर, अब अगर कोई कह दे ऐसे ही यहाँ पे उसका घर मेरे घर के पास में है, तो मैं क्या समझूंगा, किसका घर, किसका घर समझूंगा मैं, मुझे ये नहीं पता चल पाएगा किसका घर, क्योंकि उसका तो हम सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम, ठीक है, उसका सर्वनाम, ठीक है। अब देखो वह, ये वाला, ठीक है, वह बहुत बहुत होशियार हो, होशियार लड़का है, वह बहुत होशियार लड़का है। अब यहाँ पे जो कौन सा लड़का होशियार है पता चल रहा है, कौन होशियार है इस क्लास में, सबसे ज्यादा होशियार कौन है पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, वह बहुत होशियार लड़का है। अब सारे लड़के अपने आप को होशियार समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मेरे लिए कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये वह सभी लड़कों के लिए इस्तेमाल हो गया ना, लड़का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई लड़का ही होगा, लेकिन वो पता नहीं कौन है, ठीक है। तो उसके लिए वह, वह मतलब जो बोल रहा है वो तो जान रहा है कि कौन है, लेकिन वो किसी के लिए भी कर सकता है वह, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम जो सबके लिए लिखा जा सके। अब देखिए वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, क्या करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। अब तो देखिए वह यहाँ पे भी लिख सकते हो, वह प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन में व्यायाम, व्यायाम करता है, प्रतिदिन मतलब होता है रोज, डेली होता है ना, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, यानी कि वह रोज व्यायाम करता है,
तो वह हर किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। अब देखो ये वाला देखो, तुम्हारे तुम बोलते हो, तुम ये वाला बता दे, तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। अगर आपसे कहा जाए तुम खड़े हो जाओ तो कोई नहीं खड़ा होगा, या फिर सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम तो सबके लिए इस्तेमाल होता है ना, तुम एक सर्वनाम है, ठीक है। तो जब हम किसी को सर्वनाम से, जैसे एक बार नाम से बुला लिए फिर सर्वनाम से बुलाते हैं, ठीक है। अभी तक तुम्हारे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, क्या नाम है बेटा तुम्हारे पिताजी का, देखिए तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी पिताजी का क्या नाम है, क्या नाम है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो अब ये किसी से भी पूछा जा सकता है, उसके लिए अलग अलग नाम तो बोलना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, सबके लिए बोल सकते हो ना। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम। अब बताइए, अब आप लोग जो है इन्हीं सर्वनामों का इस्तेमाल करके एक एक लाइन सब लोग बोलेंगे, ठीक है, सबसे करवा जाएगा। तो पहला चांस जो दिया जाता है वो सबिया को दिया जाता है, बोलो सबिया। चलिए, वह सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बताइए जिसमें वह आता हो, ठीक है, बोलो बेटा, खड़े हो जाओ। वह सर्वनाम का इस्तेमाल होने वाला एक शब्द बताइए जिसमें वह आता है। वह उसका एक मिनट, वह उसका पेन है ना, यही बोल रहा हूं ना, वह उसका पेन है, अरे गुड, सिट डाउन, आप खड़े हो, ये खुशनुमा बताइए, उसकी कॉपी है, नहीं आपको वह नहीं इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल करना है? उसका हाथ नीचे कर, हाँ बोल, वह कॉपी है, वह कॉपी है, वह कॉपी है, हम तो सोचे हुआ जो है कोई ट्रेन है, उसका इस्तेमाल करो, उसका आना चाहिए, उसका बोलो बोलो, बैठ जा, तुम बताओ बेटा, खड़े हो, उसका इस्तेमाल करते हुए कोई शब्द बताइए, बोलिए, उसका बोलिए, बैठ बैठ, हाँ हाँ ज्ञानी, ये है दीप्ति ज्ञानी, अब ये बताएंगे जो है कि उसका उसका इस जैसे सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बताएंगे, ठीक है, उसका, रीना बदमाशी नहीं,
वह उसका बैग है, वह उसका भाई है, उसका घर बहुत सुंदर है, उसकी नाक टेढ़ी है। बैठिए महिमा, महिमा एक वाक्य बनाइए जिसमें सर्वनाम तुम आता हो, तुम वाला सर्वनाम आता हो। जैसे ये तुम है ना, देखो ये तो ये तुम है, ठीक। ये तुम सर्वनाम का इस्तेमाल होते हुए एक वाक्य बताइए, ठीक है। चलिए बताइए बेटा, बताइए, आप कैमरे की नजर में हैं, बोलिए। तुम इस्तेमाल करो, तुम एक से एक मुर्गी है। हाँ बैठिए, बताओ ये। हाँ राप्ती सागर, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर आओगी। चलो बेटा आप बता दो कुछ, अभी बताओ। तुम्हारे सर्वनाम का इस्तेमाल होते हुए एक शब्द वाक्य बनाइए। तुम्हारे, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे, तुम्हारे भाई का क्या नाम? तुम्हारे भाई का क्या नाम है? तुम्हारे भाई का नाम, बैठिए, नंदिनी आप बताइए। उसका सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बताइए, तब तक मैं एक टॉपिक कर लूं। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है जी, बताओ। उसका नाम जोकर है। गौरी, वह शब्द का इस्तेमाल, वह मतलब एक सर्वनाम है ना, वह सर्वनाम का इस्तेमाल होते हुए एक वाक्य बनाइए। भाई स्कूल है, हम तो सोचे किसी का घर है। बैठिए, वेरी गुड। शुभम, चलिए बताइए, उसका शब्द इस्तेमाल होते हुए एक वाक्य बनाइए। नहीं नहीं, मेरा घर उसके घर के पास में है। और कुछ बताइए, बातें नहीं करिए आप लोग। हाँ, दिन भर सर्दी सर्दी करो। उसका भाई मेरे घर में है। चलिए बैठिए। दीपक, स्टैंड अप। तुम सर्वनाम का इस्तेमाल होते हुए एक वाक्य बनाइए, एकदम ढांसू वाक्य, शानदार। हम पढ़ाते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। बैठिए, आप बताएंगे, बताइए। गया, हाँ बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। आपका नाम दीपराज है क्या है? हाँ बताइए, एक वाक्य बनाइए जिसमें तुम्हारे जैसा सर्वनाम आता हो। तुम्हारे, बोलो बोलो है? तुम्हारे 10 रुपए कहाँ हैं? तुम्हारे 10 रुपए हैं कहाँ हैं भाई? तुम्हारे 10 रुपए हमारे पास हैं, देना पड़ेगा। बैठिए, चलो रविशंकर तुम बताओ। आप जो है ओहो क्या बताएं रवि, कुछ बताओ यार। सभी सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बताइए। वह काम करता है।
वह काम करता है। चलो ठीक है, वह वाला हो गया। उसका उसका घर अच्छा है। उसका घर पक्के का है, कहाँ है उसका घर? पक्के से मालूम करो करो। अच्छा देखे होगे तभी ना है? तो कैसा है, मतलब अच्छा है तो क्या घास फूस का बना है, किस चीज का बना है? पक्का मकान है तब तो अच्छा ही होगा, अच्छा बना है ना। चलो ठीक, उसका घर बहुत अच्छा है। तुम काम कर रहे हो? हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम तो पानी पी रहे हैं यार। तुम काम कर रहे हो, और कोई दूसरा बाकी बनाओ। तुम्हारे चाचा का नाम जान के क्या करोगे, किसी और से पूछ लो कुछ है? तुम्हारे तुम्हारे पापा को हम जानते हैं, बोलो तुम्हारे से कोई सब बात बनाओ, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हमारे खेत में आलू बोए थे। हमारे खेत में कैसे पता? हमको स्वयं नहीं पता कि हमारे खेत में क्या बोया जा रहा है, अब तुम कह रहे हो तुम्हारे खेत में आलू बोया जा रहा है। वेरी गुड, सीता हूँ। और कोई बच्चा है जो इन सभी सभी शब्दों से एक एक वाक्य बना सकता है? कौन बनाएगा? अंकुर डिफाल्टर। अंकुर बहुत दिनों के बाद स्कूल आए हैं, तो चलिए बताइए वह सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बताइए। वह उसका खेत है। हाँ हाँ, वह उसका खेत है, हमें मालूम चल गया। चलिए अगला वाक्य बोलो जल्दी जल्दी। उसका खेत हमारे बगल में है। तुम्हारे बगल में तो जो है वो बैठा हुआ है, खेत का वो खेत। और कुछ बताओ, मतलब सही है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, सही है, वाक्य सही है आपका। उसका खेत हमारे बगल में है। अरे हमारे खेत के बगल में है ना, हमारे बगल में थोड़ी ना। उसका खेत हमारे खेत के बगल में है, ऐसा कह सकते हो। उसका खेत हमारे घर के बगल में हो सकता है, उसका खेत हमारे बगल में। चलिए अगला वाक्य, बातें नहीं अलग अलग बिठा देंगे। घर जा रहे हैं, पूछ रहे हो कि बता रहे हैं? बता रहे हमको, बता रहे या किसी को ऐसे तुम जाओ, तुम घर जा रहे हो। अरे उसको तो मालूम है कि वो घर जा रहा है, किसी को घर जा रहा होगा तो उसको नहीं मालूम होगा कि वो घर जा रहा है। नहीं तो उसको लोग कहे तुम घर जा रहे हो, घर जा रहा। अरे ये कह सकते हो क्या, तुम घर जा रहे हो कि मतलब तुम होता तुम ना जानते हो कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो सब पूछ सकते हो क्या तुम घर जा रहे हो। घर जा रहे हो तो यार कुछ ले आना है, नहीं खाने वाला है। तुम कहाँ जा रहे हो, बैरल तो वही। और तो इतने दिन से कहाँ थे, क्यों नहीं आ रहे थे? मौसी के यहाँ गए थे। तुम्हारे मौसी का घर कहाँ है? तो तुम्हारे आ गए उसमें, तुम्हारे से
पूछ सकते हैं तुम्हारे मौसी का घर कहाँ है, जैसे रीना बताइए खड़ा हो गया आप भाई, तुम्हारे मौसी का घर कहाँ है? रीना के लिए समस्या आ गई, बोलो कैसे रीना?